बोल रहे थे कि हुकम चंद इसको पकड़ो, इसको यहाँ घसीटो, राहुल ऐसे इसकी गाड़ी तोड़ दो भाई, ऐसे एक दूसरे का भाई नाम जोर जोर से ले रहे थे। 5 महीने तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, बजाय है अरेस्टिंग होने के 4 लोगों की बेल ले ली। क्यों ले ली बेल? कि ये छुड़ा रहते तक वहाँ कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो छुड़ा रहा था, सिर्फ मारने वाले थे सारे। और आज तक से केस दर्ज किए हैं उसमें से कुछ किसी को अरेस्ट नहीं किए हैं। पुलिस अपने बचाव के लिए जो उसमें गवाह थे 14-15 वो आदमी उसमें केस दिया, उसमें से छांट छांट के 9 आदमी को ले गए हैं। और बाकी मेन है वो साथ में खा पी रहे घूम रहे हैं। और ये भी बोलते हैं कि रमेश को मारने में हम लोग को इतना मजा लगा कि पानी का नदी से कुहूर बिग रहा था। समझिए कि कितना मेरा दिल का ये पत्थर रख के मैं यहाँ सांस होकर बोल रही हूँ। आज तक भी लगता है कि इतना मेरे को शक्ति मिलता ना कि उस सबको नोच के मैं खा जाती। छोटे छोटे बाल बच्चे सब बोलते हैं कि पापा कहाँ है। एक छोटा है 3 साल का, वो बोलता है मेरे पापा को जल्दी बुला, तुम ही से खोजे, काहे के लिए खेत देखने के लिए भेजी थी, अब कहाँ से मैं ला। फिर हमसे कहते हैं आप क्या चाहती हैं, आप क्या मांगती हैं, अब आप बताओ कब हम क्या मांगे और हम क्या चाहें। हमारा बेटा हाफिज, जिसके बाद पीछे हमने इतनी कुर्बानी दी, पढ़ाया लिखाया, हाफिज बनाया, और फिर उसके साथ ये मामला हुआ कि वो लात घूंसा और बेल्टों से मारा गया और फिर चाकुओं से मारा गया और फिर वो खूंद खूंद कर मारा गया और फिर उनको ट्रेन से नीचे फेंक रहे हैं, फिर हम उसके लिए क्या मांगेंगे? हम उसके लिए इंसाफ मांगेंगे।